आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 25 दिसंबर का दिन है, क्रिसमस का दिन है। आप लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। देखिए, क्रिसमस हो, होली हो, दिवाली हो, हम सबका यही मतलब होता है कि हम हर त्यौहार को, हर रस्म को बहुत अच्छे से निभा पाएँ, हमारा जीवन अच्छे से चले और कोई मुश्किल हमें ना आए। तो आज का दिन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, हम यही कामना करते हैं। आप लोगों के लिए बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग से। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 11:17 तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी। अमावस्या में आपको क्या करना चाहिए, ग्रहण भी लग रहा है और आप लोगों के लिए ये समय जो है काफ़ी सावधानी भरा हो जाएगा। अमावस्या को आप क्या करें, इसके लिए अलग से वीडियोस डाल दी गई हैं, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अमावस्या पर आप लोगों को कौन से दान करने चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों को उपाय करने चाहिए। आज के दिन जो नक्षत्र रहने वाला है वो ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, शाम को 5:45 तक, उसके बाद मूला नक्षत्र की शुरुआत होगी। चलिए बात करते हैं 25 तारीख के राहु काल की। ये वो समय है जब आपको कोई भी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये समय रहेगा दोपहर को 12:21 से लेकर 1:38 तक का समय। इस समय पर आप लोगों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शुभ हो, इस समय को निकाल दें। आने वाले समय में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं परंतु राहु काल के समय में ना करें, इस समय में बहुत सारी अड़चनें आपको महसूस हो सकती हैं। यहाँ पर दिशाशूल की तरफ चलते हैं। आज के दिन जो दिशाशूल रहने वाला है वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, आपको उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते तो छोटा सा उपाय करके घर से निकल, ऐसे में आप लोगों को अपने घर से थोड़ा सा धनिया खाकर या थोड़े से तिल खाकर निकलना चाहिए। ऐसा करने से दिशाशूल के प्रभाव से बचाव होगा और आपकी यात्रा जो है वो सुखमय होगी। चलिए आगे चलते हैं राशिफल की तरफ। सिंह राशि के लिए ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। मानसिक तौर पर अस्वस्थता रहेगी, आप लोगों को टेंशन बनी रहेगी और इसके साथ साथ शाम होते होते जैसे ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा आप लोगों के लिए ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, इसका ध्यान दें। आप लोगों को ये दिन जो है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक बिताने की ज़रूरत है। मनमुटाव की स्थिति पारिवारिक लोगों के साथ भी बन सकती है, इसलिए परिवार के लोगों के साथ अपना सहयोग बनाए रखें। किसी भी तरह की ऐसी बात करने की कोशिश ना करें जिससे आपके रिश्तों में कोई ना कोई दरार आ जाए या तकरार आ जाए। माँ की सेहत का ध्यान रखें, माँ के साथ आप थोड़े संबंधों को अच्छा रखने की कोशिश करें, किसी प्रकार की कोई अनबन की संभावनाएँ बन सकती हैं। शाम 7:00 सूतक प्रारंभ हो जाएगा, ग्रहण का दिन शुरू हो जाएगा, आप लोगों की जो ध्यान रखने की अवस्थाएं हैं वो और भी बढ़ जाएंगी। उससे पहले का समय भी बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं कहा जा सकता। मानसिक तौर पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप ज़मीन से संबंधित, मकान लेने से संबंधित या वाहन खरीदने से संबंधित कोई फैसला लेना चाहते हैं तो ये दिन आप लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं, आप ना लीजिए। अभी आप रुक जाइए, आने वाले दिनों में जब ग्रह स्थितियाँ कुछ अनुकूल होंगी तब आप इतने बड़े फैसले लीजिए, ये समय अनुकूल नहीं है। इस समय पर नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर रखें, जितना हो सके नेगेटिविटी को दूर रखने की कोशिश करें। आप लोगों को इस बात से और भी ज़्यादा हताशा हो सकती है। ये समय किसी खतरे को लेने का नहीं है, कोई रिस्क लेने का नहीं है, इसलिए धीरे चलें। जितना भागदौड़ करेंगे उतना ही मुश्किल आएगी, उतना ही आप लोगों को नुकसान होगा, तो इसलिए धीरे चलें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप लोग किसी ऐसी स्त्री से बचकर रहें जो आपके साथ काम करती हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी स्त्री के संपर्क में आएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए पराई स्त्रियों से दूर रहने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। ग्रहण के दिन को आप अच्छे से बिताएं, आप लोग पूजा पाठ करें। उपाय के तौर पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, उपाय के तौर पर आप लोग सबसे पहले तो मंत्र जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य ग्रह, तो आप लोगों को इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ग्रहण के समय में, सूतक काल के समय में अगर आप अपने घर पर बैठकर या किसी भी पूजा स्थल पर बैठकर इस मंत्र का जप करते हैं तो बेहतर परिणाम आप पा सकते हैं। गेहूँ का, गुड़ का आप दान कर सकते हैं, इस दान को करने से भी सूर्य मजबूत होगा, आप लोगों को इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। और इसके साथ जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है, अगर आप जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है तो उसका भी दान जरूर करें। सूतक 7:00 शाम को प्रारंभ हो जाएगा, इसीलिए मैं ये सब चीजें आपको पहले बता रही हूँ कि उसके बाद आप लोगों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो जरूरी हो। अपने फैसले सभी आप शाम से पहले पहले कर लें। आप लोगों को 7:00 के बाद धैर्य रखने की जरूरत है, आराम से बैठ जाइए, कोई भी ऐसा कार्य ना कीजिए जो जरूरी हो। बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने का ये सही समय नहीं है, ऐसे में अगर निर्णय लेते हैं तो निर्णय गलत हो जाएंगे। सूर्य का अच्छा प्रभाव आपको
नहीं मिलेगा। सेहत को लेकर भी आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। सेहत का भी ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें, ये समय इन चीज़ों को करने का है। आध्यात्मिक विकास की ज़रूरत है इस समय पर। जितना आध्यात्मिक विकास आप करेंगे आने वाले दिनों में भी आपको एनर्जी मिलेगी, तो इसलिए ये ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।